वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ये एनिमल फिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक है, इसके साथ हमारी एनिमल फिजियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। प्लांट फिजियोलॉजी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्टीरॉयड हार्मोन विच रेगुलेट द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कौन सा है? कोर्टिसोल, ऑप्शन ए, जिसको एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है। क्वेश्चन टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सेकंड मैसेंजर, सोडियम, ऑप्शन सी, बाकी सारे सेकंड मैसेंजर है। थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकोमुलेशन एंड रिलीजिंग सेंटर ऑफ न्यूरो हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, ऑप्शन ए। पोस्टीरियर के हार्मोन डायरेक्टली आते हैं, बाकी जो इंटीरियर एंड मिडल के हार्मोन होते हैं वो बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलस करते हैं। फोर्थ, विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मैंचुरेशन, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन अगर लेवल फीमेल में बढ़ेगा तो मैंचुरेशन साइकिल रुक जाएगा, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, उससे नेक्स्ट जो साइकिल स्टार्ट नहीं होता, ऑप्शन डी। क्वेश्चन फाइव, विच हार्मोन कॉज द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड ग्लाइकोजेनेसिस, तो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन बी। सिक्स, टेडपोल ऑफ फ्रॉग कैन बी मेड टू ग्रो एज जेंट साइज टेडपोल, टेडपोल का साइज़ क्यों बढ़ा सकते हैं? अगर इसमें एडमिनिस्ट्रेट कर दे एंटी थायराइड सब्सटेंस लाइक थायो यूरिया, ऑप्शन ए। तो थायराइड जो अगर होगा तो टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनेगा, अगर इसे एंटी देंगे तो वो टेडपोल ही बढ़ेगा, फ्रॉग नहीं बनेगा, उसकी मेटामॉर्फोसिस रुक जाएगी। सेवन, कंपेयर टू ए बुलक इज़ ए डोसाइल बिकॉज ऑफ लोअर लेवल ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी, वो थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में अग्रेशन केस करता है। क्वेश्चन एट, फीलिंग द ट्रीमर्स ऑफ अर्थक्विक ए सेकेंड रेजिडेंट ऑफ सेवन्थ फ्लोर ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग स्टार्ट क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर रैपिडली, विच हार्मोन इनिशिएटेड दिस रिएक्शन। सो अर्थक्विक में बंदा जो है काफ़ी ऊंचे फ्लोर, सेवन फ्लोर से नीचे उतरना शुरू हो गया, किस हार्मोन का लेवल बढ़ेगा? एड्रेनालिन, ऑप्शन सी, ये एड्रिनल मेडुला रिलीज करता है और ये हार्मोन को एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, फ्लाइट एंड फाइट एक्शन देता है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नाइन, विच पार्ट ऑफ ओवरी ऑफ मैमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर कॉपुलेशन, तो वो क्या होता है? ऑप्शन बी, ग्रेफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल जब कॉपुलेशन हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम आता है एग निकलने के बाद, तो ये प्रोजेस्टेरोन देता जाता है। टेंथ, ए पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम विद कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, विच वन ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड मे नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली, पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड कैल्शियम का लेवल करती है, ऑप्शन बी। इलेवन, विच वन ऑफ फॉलोइंग फोर ग्लैंड करेक्टली मैच विद अकंपनिंग डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी में थाइमस टी सही है, स्टार्ट अंडरगोइंग एट्रोफी आफ्टर पॉवर्टी, ये सही है। ट्वेल्व, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH कौन प्रोड्यूस करता है? पार्स इंटरमीडिया ऑफ पिट्यूटरी, मिड लोब ऑफ पिट्यूटरी, सी। थर्टीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच विद हार्मोन एंड डिजीज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फेलियर ऑफ ओवुलेशन, ऑप्शन ए। फोर्टीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड अमीनो एसिड, एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी। 15, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? STH, GH एंड TSH एंड FSH, GH एंड LH, तो इसमें जो है सेकेंड एंड फोर्थ सही है, तो इसमें सही ऑप्शन आएगा सी। कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? ऑप्शन ए, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ऑलरेडी बता चुका हूँ। 17, टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करता है? लीडिंग सेल ऑफ द टेस्टिस। 18, हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होता है? मिक्सोडीमा एंड क्रिटिनिज्म बोथ होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी आएगा, ए एंड बी। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल एंड फंक्शन ऑफ स्टोली सेल FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन ए, ये पिट्यूटरी देती है, टेस्टिस को ये एक्टिव करता है। 20, डिपिक्ट द करेक्ट साइज ऑफ हार्मोन, साइट क्या है इसकी? ग्लूकागोन पहले, बी इंसुलिन, डी सोमैटोस्टैटिन, ये करेक्ट एक जैसे ही हार्मोन एक जगह से निकलते हैं पैनक्रियास के आइसलेट्स ऑफ लैंग्रहेंस, बाकी जो हैं अलग अलग हैं, यानी
अल्फा सेल ग्लूकागोन देंगे, बीटा इंसुलिन, डेल्टा सेल देंगे सोमैटोस्टैटिन, इसलिए बताया हुआ है। बाकी लेबलिंग सेम है पर एबीसी की वजह से गलत है। इंसुलिन रिसेप्टर क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन, ऑप्शन ए। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड एयर सेकंड मैसेंजर इन कैल्शियम मेडिएटेड हार्मोन? साइक्लिक केएमपी, ऑप्शन ए ऑफ द 22। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेरिडिटरी डिजीज? क्रिटिनिज्म, ऑप्शन बी। 24, एक्डाइसन कौन सीक्रेट करता है? इंसेक्ट करते हैं, ऑप्शन ए। 25, डिफरेंट कलर ऑफ स्किन ऑफ फ्रॉग कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन, ऑप्शन बी। 26, द फंक्शन ऑफ पाइनियल बॉडी क्या है? ऑल ऑफ दीज, लाइटन द स्किन कलर, कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर, रेगुलेट द पीरियड ऑफ पॉवर्टी। 26 का आएगा डी। 27, विच हार्मोन प्रोड्यूस कॉलिनर्जिक इफेक्ट? थायरॉक्सिन, ऑप्शन ए। 28, हैसल्स कार्पसल्स कहाँ मिलते हैं? थाइमस में, ऑप्शन सी। 29, पाइनल ग्लैंड ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्रिएट मेलाटोनिन, किसके साथ कंसर्नड है? कलरेशन ऑफ स्किन पार्ट, ऑप्शन सी। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो इसमें ए भी ट्रू है, कैल्सिटोनिन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म कैल्शियम, ये सही है। ऑक्सीटोसिन रेगुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ यूटराइन मसल ड्यूरिंग बर्थ, ये भी सही है। सी डी गलत है, ग्रेव्स डिजीज जो है माल फंक्शनिंग एड्रेनल ग्लैंड, ये गलत है। ADH स्टिमुलेट द अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, ये भी गलत है। 31, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन क्या है? एड्रेनलिन, ऑप्शन है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंटीरोगेस्ट्रोन क्या है? 32 का सी आएगा, हार्मोन सेक्रेटेड बाय ड्यूडेनल माइकोसा। ADH इसके ऊपर एक्ट करता है, एंटीडायुरेटिक हार्मोन, कलेक्टिंग ट्रायल ऑफ किडनी, ऑप्शन ए। 34, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ से आती है? एक्टो एंड मेसोडर्म से ड्राइव होती है, 34 का सी आएगा। 35, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी? ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन ए। 36, एन ऑटो इम्यून डिजीज वेयर द बॉडीज ओन एंटीबॉडी अटैक द सेल ऑफ थायराइड, हैशिमोटो डिजीज, इसमें थायराइड को अपनी बॉडी के सेल खाना शुरू कर देते हैं, ये आएगा बी। 37, डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल कॉज गॉइटर डिजीज? आयोडीन, ऑप्शन ए। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टीरॉयड? एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइन हार्मोन? थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी। 40, डेफिशिएंसी ऑफ वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करती है? डायबिटीज इन प्रोसीडर्स, ऑप्शन सी। 41, द ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम एन ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ ई कोलाई, रशिया, ऑप्शन सी। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड? तो सी आएगा, पैराथायरॉयड एंड एड्रीनल, ऑप्शन सी। 43, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ पैराथायरॉयड पैराथार्मोन, ऑप्शन सी। 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड अमीनो एसिड? एपिनेफ्रिन, ऑप्शन ए। 45, सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन, कौन करता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ए। 46, इन कॉकरोच जो निम्फल करेक्टर है वो मेंटेन कौन करता है? यूबिलाइन हार्मोन, ऑप्शन डी। 47, फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी है थॉमस एडिसन, ऑप्शन डी। 48, द बॉडी कोऑर्डिनेशन कौन मेंटेन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, तो इसका आएगा डी, 1 और 3। 49, एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या है? 1, 2 और 3, प्रिपेयर यूटरस फॉर प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो 49 का आएगा ए। 50, एड्रेनालिन हार्मोन क्या इंक्रीज करता है? ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, तो इसका आएगा बी, 1 और 2। 51, द एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ सोमैटोट्रोपिन लीड टू डिसऑर्डर, क्या होती है? 1 और 2 करेक्ट, गिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली, ऑप्शन बी। LH हार्मोन फीमेल में क्या है? 180 करेक्ट, फैसिलिटेट द ल्यूटिनाइजिंग ऑफ ग्रेनुलोसा सेल ऑफ ओवुलेटरी फॉलिक्यूल, कॉल्ड ओवुलेशन हार्मोन, तो ये आएगा बी। 53, ऑर्गन विच हैव ड्यूल ओरिजिन फ्रॉम एम्ब्रियोनिक लेयर, क्या है ये? हाइपोफाइसिस, एड्रिनल एंड सेंस ऑर्गन, इनका ड्यूल ओरिजिन है, दो लेयर से बने हैं। 54, बोथ कॉर्पस ल्यूटी एंड मैक्यूला ल्यूटिया क्या है? करेक्टर्स वाई येलो कलर, ऑप्शन सी। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर ग्लैंड आर करेक्टली मैच विद दिस डिस्क्रिप्शन, तो इसमें ऑलरेडी बता चुका, थाइमस स्टार्च एट्रोफी आफ्टर पुबर्टी, ऑप्शन बी। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ से आती है? एक्टो एंड मेसोडर्म, ऑप्शन सी, ऑलरेडी आ चुका है। 57, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल ऑफ मिल्क इजेक्शन आफ्टर बर्थ ऑक्सीटोसिन,
ए ये भी आ चुका है। 58 ऑटोइम्यून डिजीज जहाँ थायराइड ख़त्म होती जाती है, ये भी आ चुका है। 58 का भी मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं इसके बारे में। 59 विच हार्मोन जो है नॉट सिक्रीशन प्रोडक्ट ह्यूमन प्लेसेंटा, प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी। 60 यहाँ करेक्ट आपने बताना है स्टेटमेंट और गलत बतानी है। ए सी करेक्ट है, एलिमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, थायराइड, ये सही है। फ्रक्टोज इज मोनोसक्राइड एंड इज हेक्सो शुगर, ये भी सही है। विटामिन B6 इज अदरवाइज नोन एज नियासिन एंड निक्टोनिक एसिड, ये गलत है। ग्लोबुलिन इज एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन, ये भी गलत है। तो 60 का आएगा बी ऑप्शन से। पाइनल ग्लैंड क्या स्क्रीन करती है, मेलाटोनिन, ऑप्शन बी। 62 विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रजेंट इन थायराइड फॉलिकल, क्यूबाइडल, ऑप्शन बी। 63 डायबिटीज इनसिपीडियस कॉज ड्यू टू लैक ऑफ ADH, ऑप्शन ए। 64 मेटामॉर्फोसिस ऑफ रोग कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी। 65 विच हार्मोन कंट्रोल द ब्लड कैल्शियम लेवल, पैराथार्मोन, ऑप्शन डी। 60 विच अमंग द फॉलोइंग इज हेटरोक्राइन ग्लैंड, पैनक्रियाज, ऑप्शन बी, क्योंकि ये एंजाइम भी देती है और हार्मोन भी देती है। 67 इंसुलिन क्या प्रमोट करता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन ए। बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर में ग्लाइकोजन बना के भेज देता है। 68 ए हेल्थ डिसऑर्डर डैट रिजल्ट फ्रॉम डेफिशेंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन अडल्ट एंड करेक्टराइज बाई मिक्सोडीमा, ऑप्शन सी। 69 एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कोज कुशिंग सिंड्रोम, कॉर्टिसोल, ऑप्शन बी। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, पैराथ थायरॉयड टैटेनी, ऑप्शन डी। 71 एंटी डायरेटिक हार्मोन को क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन, ऑप्शन बी। 72 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट स्टीरॉयड, वैसोप्रेसिन, ऑप्शन डी। 73 इफ द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ एन अडल्ट रैट इज सर्जिकली रिमूव, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड विल बी लेस अफेक्टेड, बी आएगा एड्रीनल मेडुला। 74 द हार्मोन डैट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ किडनी, पैराथ हार्मोन, ऑप्शन ए। 75 एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयड हार्मोन है तो बाइंड किसके साथ करते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ऑप्शन डी। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट, एक्डाइसन, ऑप्शन सी। 77 द ग्लाइकोजूरिया इज कंडीशन जब एक्सेस ऑफ शुगर इन यूरिन आए, ऑप्शन बी। 78 द हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन कौन क्रिएट करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ऑप्शन ए। पोस्टीरियर लोब को कहते हैं पिट्यूटरी को। 79 गिगेंटिज्म एंड एक्रोमोगैली कब आती है, हाइपर पिट्यूटरीज्म, ऑप्शन डी, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा आ जाता है। 80 विच हार्मोन इज सिक्रीटेड इन वोमन इफ प्रेगनेंसी अकर्ड, HCG, ऑप्शन डी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, डी। 81 द मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू सडन सी रिडक्शन इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 82 द कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन ए, ऑलरेडी बता चुका हूँ। 83 में आपने करेक्ट बताना है तो ये आएगा नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन एड्रीनल मेडुला करता है, हार्ट रेट, रेट रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस बता देता है, तो 83 का भी आएगा। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स करेक्टली मैच एंड इस डेफिशिएंसी, पैराथायरॉयड की टैटेनी, ऑप्शन बी। फंक्शन ऑफ ADH क्या रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऑप्शन ए। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ इंसुलिन, सी आएगा, इंक्रीज द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नॉट इन्वॉल्व इन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, कैल्सिटोनिन, ऑप्शन ए। 88 द गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस, ऑप्शन ए। 89 मिक्सोडीमा अकर ड्यू टू हाइपोस्क्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ऑप्शन बी। सोमैटोस्टैटिन कौन सीक्रेट करता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस, ऑप्शन ए, पैनक्रियास के डेल्टा सेल। 91 विच हार्मोन इज मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी। 92 द हार्मोन विच रेगुलेट द स्लीप अवेक साइकिल, मेलाटोनिन, ऑप्शन सी। 93 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर पास्चुरेशन, प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी। 94 द एंडेमिक गोइटर इज स्टेट ऑफ, ऑप्शन सी, डिक्रीज थायराइड फंक्शन। 95 विच ऑफ द फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी। 96 द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट, एड्रेनलिन, ऑप्शन ए। 97 दिस ट्रेस एलिमेंट इज नीडेड फॉर इंसुलिन टू एक्सट्रैक्ट इट्स मैक्सिमम इफेक्ट इन ग्लूकोज, क्रोमियम, ऑप्शन बी।
98 ਦਾ ਪੈਰਾਥਾਰਮੋਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਇਨ ਸਮਾਲ ਇੰਟੇਸਟਾਈਨ ਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਆਫ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 99 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ 32 ਮਿਨੋ ਐਸਿਡ ਵਾਟਰ ਸੋਲਬਲ ਪੈਪਟਾਈਡ ਹਾਰਮੋਨ ਕੈਲਸੀਟੋਨਿਨ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 100 ਦਿਸ ਗੈਸਟਰੋ ਇੰਟਸਟੀਸ਼ਨ ਹਾਰਮੋਨ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਦਾ ਇੰਸੂਲਿਨ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ GIP ਗੈਸਟਰੋ ਇੰਟਸਟੀਸ਼ਨ ਪੈਪਟਾਈਡ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 101 ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਬੀ ਵੈਸੋਪ੍ਰੈਸਿਨ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਰੀਅਬਜ਼ਰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਨ ਡਿਸਟਲ ਟਿਬਿਊਲ ਇਨ ਐਫਰੋਨ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ 102 ਮੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣਾ ਏ ਓਬਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਏਗਾ ਓਸਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਮੇ ਅਲਫਾ ਸੈੱਲ ਗਲੂਕਾਗੋਨ ਦੇਂਗੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਮੇ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨ ਆਏਗਾ ਜਿਸਕੀ ਓਵਰਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੇ ਗੈਂਗੈਂਟਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ 102 ਕਾ ਆਏਗਾ ਏ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇਨਸਪੀਡੀਅਸ ਇਨਸਫੀਸ਼ੈਂਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ADH ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 104 ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋ ਇੰਸੂਲਿਨ ਟੂ ਮਚਿਓਰ ਇੰਸੂਲਿਨ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀ ਪੈਪਟਾਈਡ ਇਜ਼ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋ ਇੰਸੂਲਿਨ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 105 ਸਲੈਕਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਮੈਚ ਪੇਅਰ ਡੀ ਆਏਗਾ ਕੋਲੀਸਿਸਟੋਕਾਈਨਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੈਨਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਂਜਾਈਮ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ 106 ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਐਪੀਨੈਫਰਿਨ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਸੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 107 ADH ਡੈਫੀਸੈਂਸੀ ਸ਼ੋ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੋਲੀ ਡਿਪਸੀਆ ਐਂਡ ਪੋਲੀ ਯੂਰੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 108 ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਆਫ ਹਾਰਮੋਨ ਆਰ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਡੈਟ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਫ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਲ ਐਂਡ ਬਾਈਂਡ ਟੂ ਰਿਸੈਪਟਰ ਇਨਸਾਈਡ ਡੀ ਆਏਗਾ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਐਂਡ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ 109 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਟੂ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਸੀ ਆਏਗਾ ਇਨ ਫੀਮੇਲ FSH ਫਸਟ ਬਾਈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਸੈਪਟਰ ਔਨ ਓਵੇਰੀਅਨ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ 110 ਕੈਟੀਚੋਲੋਮਾਈਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਇੰਡਿਊਸ ਅਲਰਟਨੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕੈਟੀਚੋਲੋਮਾਈਨ ਕੋ ਐਡਰੀਨਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਐਡਰੀਨਲ ਹਾਰਮੋਨ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 111 ਵਿੱਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 112 ਜੀਨ ਫਾਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਮੇਲਾਈਟਿਸ ਓਟੋਸੋਮਲ ਰਿਸੈਸਿਵ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 113 ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਇਜ਼ ਸਕ੍ਰੀਟਡ ਬਾਈ ਐਡਰੀਨਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਇਨ ਰਿਸਪੋਂਸ ਟੂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਨ ਅਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਇਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਹਿਬਿਟਿੰਗ ਦਾ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਸੋ ਡੈਟ ਦਾ ਕੋਰਟੀਕੋਟ੍ਰੋਫਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਹਾਰਮੋਨ CRH ਰਿਡਿਊਸ ਐਂਡ ਇਨਹਿਬਿਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਟੂ ਰਿਸਪੋਂਡ CRH ਬਾਈ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਸੈਂਸਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਟੂ CRH ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟ ਹੈ 114 ਐਪੀਨੈਫਰੀਨ ਕੌਨ ਸਕ੍ਰੀਟ ਦਾ ਐਡਰੀਨਲ ਮਡੂਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 115 ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸਕ੍ਰੀਟਡ ਬਾਈ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ANF ਆਰਟਰੀਅਲ ਨੈਟ੍ਰੈਕਟਿਵ ਫੈਕਟਰ ਜੇ ਹਾਰਟ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ 116 HCG HPL ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਵੋਮੈਨ ਓਨਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 117 ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਡਿਲੀਵਰ ਬੇਬੀ ਹੂ ਸਫਰ ਫਰੋਮ ਸਟੰਟਡ ਗਰੋਥ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਲੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਿਊਸ਼ਨ ਅਬਨੋਰਮਲ ਸਕਿਨ ਤੋ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਇਹ ਡੈਫੀਸੈਂਸੀ ਬਾਈ ਆਇਓਡੀਨ ਇਨ ਡਾਇਟ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 118 ਮੈਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਬਤਾਨੀ ਹੈ ਏ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਿਡਨੀ ਐਂਡ ਸਕ੍ਰੀਟ ਦਾ ਕੈਲਟੀਕੋਲਮਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਦਾ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ 119 ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸੀ ਥਾਇਰੋਕਸੀਨ ਲੈਕ ਆਫ ਆਇਓਡੀਨ ਇਨ ਡਾਇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਗੋਇਟਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ 120 ਵਿੱਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਆਏਗਾ ਨੋਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਾਈ ਬੋਡੀ ਇਨ ਟਰੇਸ ਅਮਾਊਂਟ ਡੈਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਮਸੈਂਜਰ ਐਂਡ ਨੋਨ ਐਜ ਹਾਰਮੋਨ 121 ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਡੀ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ 122 GnRH ਸਕ੍ਰੀਟਡ ਫਰੋਮ ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਮੇਨਲੀ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਸੀ FSH ਐਂਡ LH ਫਰੋਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਟਿਊਟਰੀ 123 ਵਿੱਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸੋਡੀਅਮ ਰੀਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਸਟਲ ਕਨਵੋਲੂਟਡ ਟਬਿਊਲ ਬੀ ਆਏਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਲਡੋਸਟਰੋਨ ਲੈਵਲ 124 ਫਾਈਟ ਔਰ ਫਲਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਜ਼ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਐਡਰੀਨਲ ਮੈਡੂਲਾ ਇਸੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਪੀਨੈਫਰੀਨ ਐਂਡ ਨੋਰ ਐਪੀਨੈਫਰੀਨ 125 ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਮੇਲੀਅਨ ਕਾਰਪਸ ਲੀਟੀਅਮ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 126 ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਡੀ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਪਾਈਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਰਿਦਮ ਆਫ ਸਲੀਪ ਵੇਕ ਸਾਈਕਲ 127 ਕੈਮੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਹੈਜ਼ ਬੋਥ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਐਂਡ ਨਿਊਰੋ ਰੋਲ
कौन सा है? एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी। 128 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म? बी एल्डोस्टेरोन। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रो सिंथेसाइज एल्स वेयर इज स्टोर एंड रिलीज बाय मास्टर ग्लैंड? एंटीडरेटिक हार्मोन, ऑप्शन ए। 130 इन हार्मोन एक्शन इफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड फ्रॉम टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन क्या करेगा? नॉट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन, ऑप्शन बी। 131 लोब ऑफ पिट्यूटरी डैट सीक्रेट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सी है? इंटरमीडिएट लोब, ऑप्शन बी। 132 सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? पाइनल बॉडी, ऑप्शन बी। 133 इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू हार्ट स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ एंटी नेट्रेटिक फैक्टर, ऑप्शन डी। 134 जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी सीक्रेट करते हैं रेनिन, ऑप्शन डी। 135 एंटी नेट्रियोटिक फैक्टर डिक्रीज क्या करता है? सीक्रेशन ऑफ रेनिन, ऑप्शन बी। 136 इन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकंड मैसेंजर मैग्नीशियम प्लस टू आयन, ऑप्शन डी। 137 कंडीशन इन विच द किडनी फेल टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन ड्यू टू इम्पेयर रेडियोसिंथेसिस, तो यह डायबिटीज इंसिपीडियस, ऑप्शन सी। 138 पार्स डिस्टेलिसिस ऑफ पिट्यूटरी डज नॉट रेगुलेट हार्मोन 1 and 3, 1 क्या है? MSH, 2 है वैसोप्रेसिन, ऑप्शन ए आएगा, सॉरी ई आएगा ये। 139 फंक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन क्या है? ऑप्शन डी इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। ग्रेव्स डिजीज ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड, ऑप्शन सी। 141 ए पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट मेनली एज हिपेटोसाइट एडिपोसाइट एंड इनहांस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक यूटिलाइज इंसुलिन, ऑप्शन बी। 142 पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट ए ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट ओनली स्टोर एंड रिलीज द हार्मोन, ऑप्शन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। 143 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, ऑप्शन ए। 141 चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रिक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ बी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 145 अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान इज द प्रिकर्सर ऑफ सिंथेसिस ऑफ मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, ऑप्शन बी। 146 द टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन सी। 147 GnRH इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड टू प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एक्ट एज, क्या है, कहाँ एक्ट करता है? ऑप्शन ए बी में इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ LH एंड FSH। 148 हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज अ फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज हाइपोफाइसियल प्लेट क्लोज आफ्टर एंडोलोसेंस, ऑप्शन बी। एपिफिजियल प्लेट्स होती है बोन में, जो बोन की ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं, जब ये बंद हो जाती हैं बोन आगे बढ़ती रही है। 149 विच ऑफ फॉलोइंग इज इमिनो एसिड ड्राइव फ्रॉम हार्मोन, इमिनो एसिड का डेरिवेटिव कौन सा है? एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी। 150 सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेन प्रेगनेंसी, प्लेसेंटल हार्मोन कौन से हैं? SCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए। 151 हाउ डज द स्टीरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी? बी बाइंडिंग टू DNA एंड फॉर्मिंग जीन हार्मोन कम्प्लेक्स। 152 में देखना करेक्ट, पहला है इंसुलिन, इसका आएगा 5 डायबिटीज मेलिटस, सेकंड है थायरॉक्सिन का, चौथा आएगा गोइटर, कॉर्टिकॉइड का आएगा फर्स्ट एडिसन डिजीज, ग्रोथ हार्मोन का आएगा तीसरा एक्रोमगैली, तो 152 का आएगा सी। 153 ऑक्सीटोसिन एंड ADH प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन बी। 154 प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन इंडिकेटेड डायबिटीज मेलिटस, कीटोनूरिया एंड ग्लाइकोयूरिया, ऑप्शन सी। 150 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कोज रिलीज ऑफ ओवम ओवुलेशन फ्रॉम ग्राफियन पॉलिक्यूल, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए। 156 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायरेसिस, बी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। 157 इसमें फर्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का 3 आएगा डायबिटीज इंटरपीडियस, थायराइड का आएगा फर्स्ट ग्रेव डिजीज आ गया, एड्रिनल ग्लैंड का आएगा 4th एडिसन, पेनक्रियाज का आएगा 2nd डायबिटीज मेलिटस। 158 करेक्ट स्टेटमेंट देनी है ए, ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड स्टिमुलेट द ग्लूको
नियोजेनेसिस, ये सही है। 159 का आएगा सी, हार्मोन स्टोर्ड एंड रिलीज फ्रॉम न्यूरोपेपाइसिस है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। 160 का मैचिंग करनी है, फर्स्ट का आएगा सेकंड ओवरी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है, प्लेसेंटा एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम थर्ड फोर्थ प्रोजेस्टेरोन करता है, लेडिक सेल थर्ड एड्रोजन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वो रिलीज करता है। 160 का आएगा ए, 161 में मैच करना है, पिट्यूटरी हार्मोन में आएगा पेप्टाइड एंड प्रोटीन के बने हैं, एपिनेफ्रिन जो है बायोजेनिक अमाइन है, एंडोर्फिन क्या है न्यूरोपेप्टाइड है, कॉर्टिसोल क्या है स्टीरॉइड, तो 161 का आएगा सी। सो आज का वीडियो काफ़ी लेंथी था, सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज हमने आज के हैं 161। सो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा, बहुत आराम से करवाने की कोशिश की है ताकि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए, वीडियो ना ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा स्लो था। आई होप आपको एनिमल फिजियोलॉजी के सारे टॉपिक के एमसीक्यू समझ आ चुके हैं। तो इसके साथ हमारी एनिमल फिजियोलॉजी ख़त्म हो चुकी है, प्लांट फिजियोलॉजी ऑलरेडी कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, एंड फॉर आवर मोटिवेशन सेंड टू अस द सुपर चैट एंड सुपर थैंक्स सुपर स्टिकर, ज्वाइन आवर चैनल मेंबरशिप फॉर एक्सक्लूसिव ऑफर्स। सो सून वी विल कवर द रिमेनिंग पार्ट्स फ्रॉम द बॉटनी एंड जियोलॉजी, एंड वी विल फिनिश आवर प्रेपरेशन सून, एंड वी विल कंटिन्यू विद द केमिस्ट्री। टू स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल डेडिकेटेड टू साइंस फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स। और अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइसेस। वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेस, पेड व्हाट्सएप ग्रुप, रिवीजन क्लासेस फॉर बॉटनी जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री मास्टर कैडर प्रेपरेशन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो इसको मैक्सिमम लाइक शेयर एंड कमेंट करिए ताकि और ऐसे वीडियो आपको मिले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।